आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। काबुली नाम भले ही काबुल से होगा लेकिन आज नहीं तो कल काबुल हमारा होगा। यह इंदौरी चुना है और हमें इसी बात का आनंद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शनिवार को काबुली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रथम वार्षिक सम्मेलन में कही। बाईपास स्थित होटल ग्रैंड शेरेटन में आयोजित कार्यक्रम में देशभर से 700 से ज्यादा काबुली चना ट्रेडर्स शामिल हुए। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। अतिथि स्वागत काबुली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश बंसल ने किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जब किसान गेहूं लगाता है तो उसमें बिजली ज्यादा लगती है, पानी ज्यादा लगता है और मुनाफा कम होता है। जब किसान काबुली चना लगाता है तो उसे बिजली और पानी कम लगता है, मुनाफा ज्यादा मिलता है। मुख्यमंत्री को एसोसिएशन की तरफ से राधा कृष्ण की मूर्ति और बांसुरी दी गई। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का इस उपद से इस चौक लिमिट हटाने के प्रयास में साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने महंगाई नियंत्रित करने के लिए काबुली चने को इस चौक लिमिट के दायरे में रखा था। इसके बाद इंदौर के व्यापारियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला था और इस चौक लिमिट से काबुली चना को बाहर रखने की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के बाद व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। बाद में सरकार ने इंदौर के व्यापारियों का आग्रह स्वीकार करते हुए काबुली चने को इस चौक लिमिट से बाहर कर दिया था। इसके बाद से काबुली चने के दाम में अच्छी बढ़त आई है। माना जा रहा है कि क्षेत्र के कारोबारियों को इस दौर में करीब 100 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। पहली बार ट्रेडर्स ने सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट एवं सांसद शंकर लालवानी भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काबुली चना पर स्टॉक लिमिट हटाने और मंडी टैक्स कम करने को लेकर कहा कि किसानों के हित के लिए वह हमेशा काम करेंगे। काबुली चना दुनिया भर के 60 देशों में निर्यात किया जाता है। इसके निर्यात से बड़ी मात्रा में देश को डॉलर प्राप्त होती है, इसलिए इसे डॉलर चना भी कहा जाता है। ऐसे में काबुली चना उगाने वाले और इसका व्यापार करने वाले भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने में मदद कर रहे हैं। एसोसिएशन की ओर से काबुली चना ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश बंसल, अनूप मंगीजा, राजुल शारडा, नवीन गर्ग मौजूद रहे। मैं माननीय पंकज अग्रवाल जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। तो संदर्भ में दो शब्द कहेंगे और हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत काबुली चना की ये जो एसोसिएशन हमने स्थापित की है उसका ये पहला कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उसे शुभारंभ हम करें दीप प्रज्वलन के साथ। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे सभी अतिथि महोदयों से कि कृपया अपने शुभ हाथों से दीप प्रज्वलन करके सब्सिडी हमारे द्वारा दी जाती है।
2024 का आयोजन इंदौर में होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मीट है और क्या इसके अंतर्गत होने जा रहा है आज? ये हमारी संस्था का गठन 2024 में हुआ है जून में, और इसकी हमारी आज एनुअल मीट है, और इसका उद्देश्य है कि किसानों को, व्यापारियों को, सबको एक छत के नीचे रख के काबली चने से ट्रेडर से संबंधित सभी व्यापारी पूरे हिंदुस्तान से आए हैं और विदेशों से भी आए हैं, और इसकी क्वालिटी के ऊपर हम विदेशों में हिंदुस्तान का चने को प्रमोट कर पाएँ, उस उद्देश्य से हमने ये काबली चने की मीट का आयोजन किया। पहले जैसा बताया जा रहा है कि पहले इम्पोर्ट करना पड़ता था, हाँ वो अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं हमारा देश, तो इसको लेकर पहले ये इसकी क्रॉप अपने इंडिया में बहुत कम थी, पहले काबुल से ये सिर्फ खाने के लिए थोड़ा बहुत इम्पोर्ट होता था, धीरे धीरे हमारे यहाँ के किसानों ने और व्यापारियों ने किसानों का साथ दे के इसकी उपज बढ़ाई, अब आज अपना भारतवर्ष इतना पैदा करने लगा कि जो पैदावार होती है उसका 50% कंजम्पशन भी हमारे यहाँ होता है, बाकी 50% हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जिससे किसानों को बहुत उचित मूल्य और बहुत फायदा होता है। अभी हाल ही में स्टॉक लिमिट से भी इसको हटा दिया गया है, जो रखने वाले थे उसको लेकर व्यापारी, उसके लिए हमारी एसोसिएशन ने राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, अपने मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, सांसद महोदय से हमने वहाँ पे अपनी बात को रखा, उनको समझाया कि काबली चने की कोई प्रकार की MSP नहीं है, इसका किसी भी प्रकार के भाव से कोई लेना देना नहीं, ये प्योरली खाने की वस्तु है, मतलब ये समझो कि आर्टिफिशियल, जैसे अपने शादी ब्याह में खाते हैं, इसकी कोई MSP भी नहीं है, और इसको स्टॉक लिमिट में रखने से सिर्फ और सिर्फ किसानों का नुकसान होगा, व्यापारी का नुकसान तो एक बार हो जाएगा, स्टॉक लिमिट लगी जो स्टॉक है उसमें घाटा हो जाएगा, लेकिन आने वाली फसल के लिए और किसानों को उसका बहुत नुकसान होगा। हमारी बात को वहाँ सब लोगों ने सुना, मंत्री महोदय ने, केंद्रीय मंत्री महोदय ने, सचिव महोदय ने, जो निधि खरे मैडम ने, और हमारी सब, हमने डाटा दिया पूरा, उसके बाद उन्होंने माना इस चीज़ को कि ये स्टॉक लिमिट को हम विचार करेंगे, और फिर उन्होंने हटाई ये स्टॉक लिमिट। मीट 2024 में क्या प्रमुख मुद्दे हैं? नहीं, मीट 2024 जो है सबको धन्यवाद देने के लिए है, जिन लोगों ने हमारे को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे को सहयोग किया, और हमारे सदस्यों को आगे गाइडलाइन करने के हिसाब से हमने रखी है, कहाँ कितनी क्रॉप है, क्या है उसका स्टेटस, और सभी को एक छत के नीचे ला के भारतवर्ष के सभी जगह के व्यापारी, विदेशों के व्यापारी भी यहाँ आए हैं। सर, एसोसिएशन के जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो जिन्होंने मंत्रियों को या जो भी सरकार की प्रतिनिधि है उनको गुमराह करके इस पे जो स्टॉक लिमिट थी वो हटा दी गई, उसका नुकसान ये हुआ है कि जो चीज़ 70 रुपये किलो होना चाहिए थी वो आज 170 रुपये किलो में बिक रही है, जिससे किसान और उपभोक्ता दोनों को सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। नहीं, आप जो बता रहे हैं कि ये हमने कोई भ्रामक उसको करके कराया, पिछले साल भी काबली चना 16 रुपए के आसपास बिका था, आज भी उसी के आसपास चल रहा है, और किसान ये इसकी पैदावारी इसलिए कर रहा है, ज़्यादा डॉलर चने के नाम से जानते हैं, इससे डॉलर आता है, भारत सरकार को इससे 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए की आय होती है, अगर ये अपने एक्सपोर्ट में या इस प्रकार का कुछ हो, वैल्यू ना मिले, तो किसान इतनी पैदावार करेगा ही नहीं, और इस प्रकार की जो बातें अनलग हो रही हैं कि हमने कुछ लोगों को भ्रामक रूप से प्रचार करके या कुछ करा है, वो गलत है। सर, जैसा आप बता रहे कि इसका 50% का एक्सपोर्ट होता है, हाँ, बट एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो वो उसका प्रतिशत 20 है, तो जो 80% की खपत है वो इंडिया में ही हो रही है। जी नहीं, इंडिया में इसकी 50% से ऊपर की खपत नहीं है पैदावार की, 50% अपना छानबीन के मोटा वाला एक्सपोर्ट वाला माल भारत से भेजना ही पड़ता है, अगर वो नहीं भेजेंगे तो यहाँ के किसानों को प्राप्ति होगी नहीं, वो डॉलर बोएगा ही नहीं, इसकी जो पैदावार धीरे धीरे बढ़ रही है उसका कारण ही है कि किसानों को उपज अच्छी आए, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि हमारे यहाँ के किसान उन्नत हों और वो ऐसे आत्मनिर्भर बने, ऐसी फसल बोए जिससे वो आत्मनिर्भर बने और वो विदेशों में जाए। क्या जो सर जो आरोप लग रहे हैं पूरे एसोसिएशन के पदाधिकारियों को, उसको लेकर आपका क्या कहना? अब देखो साहब, बोलने वाले का मुँह तो कोई पकड़ नहीं सकता है, सब लोगों के तरह तरह के लोग होते हैं, ये जितनी भी बातें होनी सब गलत हैं, हमारी एसोसिएशन ने बिल्कुल अच्छे से काम किया है और सब जगह हाजिरी भरा के काम करवाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो सब गलत है। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं
एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।